PID की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और HTML की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म टाइप के बारे में। अच्छा, मैं कुछ आज आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा। जैसे स्पेशल क्या है, टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे फॉर्म के भीतर, यही है। जैसे कि क्यों करेंगे उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ पहले। जैसे कि आप लोग फॉर्म बनाया है ना कल, जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है, बढ़िया। उसको तो हम ओपन करते हैं। यही है ना, ओपन कर रहे हैं। बुलाई का ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं, जो आपने रिजल्ट बनाया है, जो भी फॉर्म बनाया है, उसमें कोई भी डाटा बराबर दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। तो इनको अरेंज करने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लीजिएगा, एक लाइन में लिखिएगा कि फॉर्म के भीतर अगर फॉर्म डाटा को अरेंज करना है सिस्टमेटिक तरीके से, HTML फॉर्म के डाटा को अगर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है, तो हम फॉर्म के भीतर HTML, सॉरी, हम HTML फॉर्म के भीतर, HTML फॉर्म के भीतर टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। टैग का इस्तेमाल टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। हो गया, टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले आपका एक खुला हुआ है फॉर्म, से पहले क्या इस्तेमाल करें, टेबल। अब टेबल टैग क्लोज हुआ है ना, यहाँ पे वाला क्लोज ही है ना, तो या तो इंटर करके इसको पूरा कट करके भीतर पेस्ट कर दीजिए, या इसी को क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। और टेब फॉर्म से पहले खुला हुआ है तो फॉर्म के बाद बंद होगा, है ना, पेस्ट कर दीजिए। टेबल के अंदर फॉर्म है ना, तो टेबल से पहले फॉर्म बंद होगा कि नहीं होगा, अगर अंदर है तो वही बात हो गई। अब बस यहाँ पे फॉर्म के भीतर टेबल, टेबल क्या है, टेबल के भीतर क्या क्या होता है, TH टेबल हेडर होता है, TR टेबल रो होता है, TD टेबल डाटा होता है। सबसे पहले हम रो चेंज करेंगे, यहाँ लगाएंगे TR टैग और TR क्लोज कर, इंटर कर दीजिए। ये रो चेंज कर रहा है भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, कंफर्म नेम, जो भी है सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक हमने चेंज कर दिया। उससे पहले आप आउटपुट एक बार देख लीजिए, यही आउटपुट है, देख रहे ना, इधर उधर करने के बाद हम आए और यहाँ पे लगा दिए TD, क्या लगाया, TD टैग ओपन कर, टैग क्लोज कर दिए। और ये फर्स्ट नेम वाला है सेक्शन, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर लिया। और यहाँ लाके क्या कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, इंटर करके एक और TD लगाया, क्योंकि इसको डाटा है ना यहाँ पर, और इसको ले लिया। BR टैग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब टेबल आ गया तो BR टैग का इस्तेमाल करेंगे ही। BR को क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर, देखिए अरेंज हुआ, फर्स्ट नेम गायब हो गया ना वहां से, कहाँ आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। आप सब एक एक करके करिए, फिर से अगला TR क्या क्या इस्तेमाल करें, है ना, इंटर किया, इसके भीतर भी क्या है, और DD में क्या ले लेंगे,
फर्स्ट दिन लास्ट दिन बराबर आया कि नहीं? हाँ ऐसे फिर से क्या करेंगे, क्या करेगा? बदलेंगे ना, रूप बदलते रहेंगे ना, कराएंगे। देखते हैं, कंफर्म ने ऊपर था ना, हाँ देखते नीचे आ गया कंफर्म ने, तीनों बराबर है कि नहीं? टेनिक हमारा अनाउंसमेंट सही जा रहा है ना, चलिए ठीक कर रहा हूँ। तो यही दिमाग में आप लोग सोचते हैं कब कहाँ किस स्टैक का इस्तेमाल करेंगे और डाटा पर अरेंज करेंगे, ये सब चीजें आपको दिखता है। क्लोज कर लेंगे, फिर देखिए तो मदर नेम भी बराबर है, सब तो बराबर आ रहा होगा। देखो यही चीज दिखना चाहिए था पहले, लेकिन नहीं दिख रहा था, तो यही सब चीजें हम सही कर रहे हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, डीओबी के लिए फिर क्या लगाएंगे? देखते अब थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। कौन काव्या? काव्या काव्या ठीक है। है ना, एंटर हो गया। अब क्या बचा है, ईमेल आईडी है और आगे। ये नोट में नहीं दिया होगा, टेबल वाला नहीं दिया होगा, ये तो ये नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है हाँ, ये वहाँ टेबल हेडर भी कर सकते हैं। टेबल हेडर करेंगे तो जो नेम पूछ रहा है वो बोल्ड में आएगा। अच्छा अभी बता दूंगा क्या करना।
जो अभी लिखने का कोई मतलब नहीं। यार वो यही होता है। दिक्कत नहीं आ गया है, दिक्कत सब बराबर है। सर आप कह रहे थे कि हमारी सर फर्स्ट नेम में नॉर्मल लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेम चाहते थोड़ा हाईलाइट करके लिख दे, क्या करेंगे उसके लिए? दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये है कि या तो फर्स्ट नेम से पहले हम क्या करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट नेम को क्या करेंगे कट करके पेस्ट कर दिया है ना। दूसरा तरीका है, जहां टी टी लगाए वहां क्या लगा दे, टी एच टैग लगा दे, क्यों? हाँ टेबल हेडर हो जाएगा, क्यों? तो ऐसे चेक कर दिए तो भी बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ये चेक करने, टेबल हेडर से। तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि टी डी था, टी डी रहने दिए, बस क्या करिए बी टैग का इस्तेमाल करिए। आगे बी टैग का इस्तेमाल करिए, ये सबसे बड़ी। इसी है कि जगह नहीं चेंज कर रहा, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टैग का इस्तेमाल कब करें आप। भाई टी एस किया तो देखे ना, जगह में लगा चेंजिंग करने, इससे फायदा क्या हुआ कि अपनी जगह पे। अच्छा अभी भी वो काम कर ही रहा है, कि कौन सा बटन लगा हुआ है यहाँ बताइए, रेडियो। और इस पे क्या लगा हुआ है, चेक करो वो दिक्कत। वैसे ही बी टैग का इस्तेमाल सब जगह कर लीजिए, लास्ट नेम में कंफर्म नेम में। नहीं ठीक है, जमाई वही सब ले रहा है इसमें, बड़ी और पिक्चर देख रहा है, खाली पैसा मजा आ रहा है। पढ़ते टाइम कुछ कम मन लगा पढ़ा जाए, देखिएगा सब ठीक ठाक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस बोल्ड होता गया है। क्यों अब बोल्ड होना ज्यादा अच्छा लग रहा है, सब पे लगा दीजिए, लैंग्वेज नोन हो गया ना। तो आपने क्या सीखा आज की क्लास में, टेबल टैग का इस्तेमाल किया फॉर्म टैग में, क्या करने के लिए, चीजों को व्यवस्थित रखने है ना, कर लेंगे। हाँ इसी का इस्तेमाल आज की क्लास में करना है। तो फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए, जहाँ से भी लेना है ऊपर से कर लेंगे। बीएन तिवारी को वही से बीएन तिवारी
अभी देखिए नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे लेवल के बारे में, इसके बारे में लेवल हो जाए। जैसे देखिए हम फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं, मेल पे क्लिक कर रहे हैं, तो हो जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ऐसा होता कि फीमेल पे भी क्लिक करें तो भी फीमेल पे टिक हो जाए, ठीक है क्या करें। हाँ अरे मजाक कर रहा था। जैसे यहाँ जैसे यहाँ मेल पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक हो रहा है ना, तो हमारे घर को तो है कि फीमेल वाले इस सेक्शन पे, इस पे क्लिक कर, इस पे क्लिक हो जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि मेल वाले भी सेक्शन पे क्लिक कर दे तो फिर टिक लग जाता है, नहीं लग रहा है ना। ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेबल टैग। इसका टैग का तो लेबल टैग लगेगा कहाँ से, जिस पे लगाना है, मतलब जेंडर वाले पे लगाना, जेंडर वाले सेक्शन में आइए सबसे पहले, ये रहा जेंडर वाला सेक्शन। और जहाँ लगाना है, मान लो यहीं लगाना है ना, तो यहाँ इनपुट से पहले आइए और लगाइए लेबल टैग, ओपन करिए और टैग क्लोज कर दीजिए। और टैग क्लोज किए हैं टीडी के भीतर, मतलब लगाए हैं तो टीडी के पहले बंद भी हो जाएगा, समझ गया ना। ये सब दिमाग लगाया जाता है कब बंद होगा, ठीक है। तो टीडी के अंदर लगाया है तो टीडी से पहले बंद भी हो जाएगा, बंद हो गया। अब दो दब गया क्या, छूट गया गया तो है। हाँ लेवल हर क्लास में। छूटा है ये। अच्छा ये वाला ये ना, अब ठीक है आ गया। और अब क्या करेंगे, अच्छा इस करने से अब देखिए हो गया, अभी भी रिजल्ट नहीं आया होगा, देखिए अभी भी नहीं हो जा रहा है, हो जाएगा, लिख लग गया क्या पहले। और सेव कर हाँ सेव कर दिए इसीलिए। तो अब यहाँ पे क्या करना था, चलो कोई बात नहीं, मेल फीमेल वाले को नहीं हो रहा है, हाँ इस पे करिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए लेबल में, और इसके लिए हमने लिख दिया एम के लिए, और आईडी में भी क्या लिख देंगे ये हम, ताकि तभी ढूंढेगा कि ये हम फॉर जेंडर है, फीमेल है ना। सेव करिए। अच्छा फीमेल वाले को नहीं हो रहा है, देख लीजिए पहले फीमेल वाले को नहीं हो रहा है, हाँ नहीं मिला। क्या करेंगे यहाँ पे, इनपुट से पहले टैग ओपन करेंगे, क्या लगेंगे लेबल, टैग क्लोज कर देंगे, कट कर लेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे, और आईडी कुछ करना नहीं, देखेंगे चेंज हो गया है, नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ है, सेव करके देखिए कंट्रोल ऐसा सेव। अब अभी भी नहीं हो गया, देखो हो गया, लगाने की रुटी नहीं पड़ रही उधर। बिल्कुल हाँ चलो हो जा रहा है, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा वो। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे और इसके लिए एफ लिख दीजिए, और आईडी में भी क्या लिख दीजिए एफ लिख दीजिए, कंट्रोल ऐसा सेव। देखिए तो फीमेल पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, मेल पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, या इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, और ना इसे तो इस पे भी लगा लीजिए, इंग्लिश वाले पे, इंग्लिश हिंदी उर्दू पे, इस पे भी काम करेगा, लेवल की जरूरत होगी। तो जहाँ जहाँ इनपुट लगाए हैं यहाँ लगाए क्या लेवल, इंग्लिश में भी आने लगा, हिंदी पे भी पढ़ गया, हो गया देखो, इस पे क्लिक कर तो होगा ही, इस पे क्लिक कर तो भी होगा, तो लेबल वाला खींच लीजिए आप। बस यही करना था।
ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं आएगा। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू।